जी। तो उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से होंगे और हम भी बहुत अच्छे से हैं। और वैसे तो आज एक बात है कि अगर मूड ख़राब भी है किसी का, बाय चांस अगर किसी का मूड ख़राब भी है, तो इस मौसम को देख के 101% मूड ठीक हो जाना चाहिए। मौसम बहुत अच्छा है और मेरी राय है चाय बना लीजिए, और या तो समोसे मंगा लीजिए या पकौड़े खुद बना लीजिए। तो मैं इन दोनों में से क्या करने वाली हूँ, आई डोंट नो, पर कोशिश करती हूँ कि समोसा ही मंगा लूँ, मुझे बनाना ना पड़े। मैं पहुँची हूँ चाय और समोसे तो अभी सब मना कर रहे हैं, कह रहे हैं अभी नहीं क्योंकि अभी 4 बजे हैं, तो 6 बजे खाएंगे। तो एक बार तो मैं चाय पी रही हूँ, जिसका मन है पिए, जिसका मन है ना पिए, समोसे शाम को खा लेंगे। दूसरी बात, और अब आनंद भी आने वाला है, तो उसके लिए भी मैं उसकी फेवरेट दाल बनी थी रात को, मखनी दाल, और उसके साथ मैं उसको पराठा बना के दे देती हूँ। आनंद नहीं अभी आने वाला है, पर मैं बना रही हूँ तो मैं बना ही देती हूँ। बार बार क्या किचन में आऊँगी। और देखा पहले ना मैं मोटी थी, अभी भी हूँ, पहले थी। फिर मैंने एक जिम ज्वाइन किया था, उसका नाम था हेल्थ बुक, हेल्थ बुक था, जाने द हेल्थ बुक था, आई डोंट नो, हेल्थ बुक था। बहुत अच्छा जिम था, मैंने उसमें अपना 10 kg वेट लूज किया और मैं एकदम छरहरी बन गई। उस जिम में जो मैंने आनंद लिया है ना, मज़ा आ गया था। अपनी स्कूल लाइफ दोबारा से मैंने उसमें जी थी। उसमें क्या था, वेट तो लूज हो ही रहा था, उसमें इंजॉय भी कर रहा था। उस जिम में मतलब पतले भी हुए और हमने इंजॉय भी किया और बहुत सारे दोस्त भी बने। तो उसमें से एक मेरी फ्रेंड थी जानवी, और वो हमें वो ट्रस्ट वाले जागरण में मिलती है हर बार, और इस बार जानवी के दोनों बेटे भी मिले, मनन, यस मनन, और बहुत ही अच्छा बच्चा है। उससे मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब किया हुआ है और वो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी है। तो वही बहुत अच्छे बच्चे हैं, और जान भी अच्छी है तो बच्चे तो अच्छे होने ही होंगे। तो मैं क्या बताई थी, और भी मेरे दोस्त बने थे, ईशा थी और भी थे, बहुत लोग थे। तो मैं क्या बता रही थी, हाँ वो बच्चे बड़े प्यारे हैं, अगर आपको उनको फॉलो करना है तो यूट्यूब पे जाएं, इंस्टाग्राम पे जाएं, और आई थिंक ऋतिक और मनन नाम से है उनका पेज। तो भाई बहुत ही अच्छे बच्चे हैं दोनों जी। तो बच्चे के, जानवी के बेटे के पेज का नाम है मनन मीर चंदानी। तो आप उसको यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। ओके, तो जी मैं बना लेती हूँ आनंद के लिए पराठा और अपने लिए चाय। मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर के बाद। गोलगप्पे हम खाया है और वहाँ पे जाम इतना था, ओहो बहुत ही जाम था। गोलगप्पे की शॉप पे भी जाम था, एक साथ 4-5 लोग खड़े हुए थे, पर गोलगप्पे बहुत ही टेस्टी थे भाई, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। बच्चों के लिए हम ले आए हैं, घर आके भी मैंने एक गोलगप्पा खा लिया। समोसा मैंने रखा हुआ है अभी, वो नहीं खाया मैंने। तो क्या चाहिए, क्या चाहिए है? मम्मा का रबड़ बैंड है, ये चाहिए। ये चाहिए, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। अच्छा हेलो 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 सिम्बा,
छोनी तू वो नाटकी है, और तू मिनट मिनट में जो बेड पे चढ़ती है ना, तेरी धुनाई होने वाली है, मैंने बता दिया तेरे को। ओ सिम्बा का बैंड तो कलर छोड़ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? ओन ओ ये इसको ना ये चाहिए, इसको ये चाहिए, और ये इसको नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है कि ये इसको खा ही जाए। क्या चाहिए? नो जहाँ तेरी ये नज़र है मेरी जहाँ मुझे खबर है, जहाँ तेरी ये नज़र है मेरी जहाँ मुझे खबर है। आज ना मैंने एक रील बनाई, इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी और शॉर्ट्स में भी, कि जो लोग मीठी मीठी बातें करते हैं और आपकी बहुत तारीफ़ें करते हैं, तो भाई कुछ समय बाद मतलब मक्खन लगाते हैं आपको, चूना भी आपको सबसे पहले वही लोग लगाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अगर अपने ऊपर सोचा तो ये सच है, मुझे बिल्कुल सच लगा ये, कि मेरे कांटेक्ट में भी ऐसे कुछ लोग थे जो मुझसे बहुत अच्छे से बात करते थे, मतलब मुझे ये लगता था कि वो ही हैं, वो सच बोल रहे हैं। क्या चीज़ है, कुछ चिपका हुआ है, कि वो बिल्कुल सही बोलते हैं, बिल्कुल सही बात करते हैं, वो मुझे बिल्कुल 100% अच्छी राय देते हैं। नो डाउट वो अच्छी राय ही देते थे, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि वो मेरी बैक बिचिंग भी कर रहे हैं एट द सेम टाइम, ये नहीं कि मैंने कोई मिस्टेक की है तब उन्होंने मेरी बैक बिचिंग शुरू की है, लेकिन उसी वक्त जब वो मुझसे मीठी मीठी बातें कर रहे थे, जब वो मुझसे अच्छे से बात कर रहे थे, उसी समय वो मेरी बैक बिचिंग भी कर रहे थे। तो मुझे ये कहावत इतनी अच्छी लगी ना, कि भाई जो आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं, जो आपको मक्खन लगाते हैं, लास्ट में आपको पता चलता है कि आपको चूना भी वही लोग लगा रहे हैं। तो बी केयरफुल, एक्चुअली हमें पता नहीं चलता है कि क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है, क्योंकि नहीं पता चलता। जब एक आदमी आपसे सच में मीठी मीठी बातें कर रहा है, आपकी तारीफें कर रहा है, तो वो अच्छा ही होगा ना। हम भगवान, हम विधाता तो है नहीं जो हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये आगे से ऐसा है और ये पीछे से ऐसा है ना, हमारे पीछे से ऐसा है। तो अच्छी लगी मुझे वो, मेरी वो रील ज़रूर देखना इंस्टाग्राम पे, मोनिका ए चौधरी मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, और यूट्यूब का चैनल तो है ही मोनिका ए चौधरी ब्लॉग्स, तो मेरे ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। आपको पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, पहले देख लो, पहले जाके देखो, और अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।